प्रियो जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु की सेवा में व्यस्त हैं। प्रियो आयो परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। न्यायों की किताब से परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर की नजर में बुरा किया तब तब परमेश्वर ने उन्हें दुश्मनों के हाथ में कर दिया। आइए हम वचन गिदोन की किताब उसका छठा अध्याय और उसके तीसरे पद में आए हैं। यहां लिखा है जब जब इजरायली लोग बीज बोते तब तब मिदानी और अमले की पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके आज्ञा तक छावनी डालते या डाल डालकर भूमि की सारी उपज को नष्ट कर डालते थे और इजरायली के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना कुछ भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे। प्रियो ये दशा क्यों होती है? पिछली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका कारण देखने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रियो यहां पर लिखा है कि ये लोग बीज बोते हैं अपने पेट भरने के लिए, अपने बाल बच्चों को पालने पोसने के लिए और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इनके दुश्मन लोग आज्ञा से लेकर आज्ञा तक छावनी डालते हैं और इनके विरुद्ध चढ़ाई करते हैं और इजरायल के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु रहती है और ना भेड़ बकरी बचती है और ना गाय बैल इनके लिए वो छोड़ते हैं, गधा तक उनके लिए छोड़ा नहीं जाता है। मैं इस प्रकार से कहूंगा कि मैदानी लोग और आमलेकी लोग और पूर्वी लोग इनके विरुद्ध चढ़ाई करते हैं। कितने लोग इनके दुश्मन बन गए हैं, इन्होंने एक सच्चे जीवित परमेश्वर को अपना दुश्मन बनाया है और परमेश्वर ने चारों तरफ से इनके लिए दुश्मनों को भेज दिया है। इनके खाने पर भी परमेश्वर ने अटैक किया है। ये बीज बोते तो जरूर हैं पर इनका बीज उगता भी है, लेकिन परमेश्वर दुश्मनों को इनके विरुद्ध चढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, जाओ और उन्हें तंग करो। इसलिए यहां लिखा है ये मैदानी लोग हैं, ये अमलेकी लोग हैं, ये पूर्वी लोग हैं और इनके विरुद्ध चढ़ाई कर करके अज्जा से लेकर छावनी डाल डालकर भूमि की सारी उपज को नष्ट कर डालते हैं। भूमि की सारी उपज कैसे जिएंगे ये लोग, कैसे अपना समय व्यतीत करेंगे ये लोग जो परमेश्वर ने जिन्हें बुरा करके आज अपने लिए भोजन वस्तु बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए बीज बो रहे हैं, लेकिन बीज और उससे पहले बताया जाता है कि इनके जो रहने के स्थान हैं वो पहाड़ों के गहरे गड्ढे हैं, गुफाएं हैं और उसके लिखा है कि किले बना लिए हैं इन्होंने अपने लिए, अपना घर बार इन्होंने खो दिया है परमेश्वर की नजर में बुरा करके और 7 साल से ये परेशान हो रहे हैं। प्रियो आज का समय नहीं है, उससे पहले 40 साल तक 20 साल तक ये परमेश्वर के को छोड़कर ये लोग दूसरे राजा के अधीन रहे और वो लोग इन्हें बर्बाद करते रहे, इनके अंधेर करते रहे। इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अब इन लोगों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि ये बीज बोते हैं, बीज उगता भी है, लेकिन दूसरे लोग आते हैं जो अमलेकी लोग हैं, जो मैदानी लोग हैं और पूर्वी लोग हैं, वो आते हैं और चढ़ाई करते हैं और इनकी सारी फसल को नष्ट कर डालते हैं, छावनी कर डालते हैं। वो लोग आज्ञा तक करते हैं, आज्ञा मतलब कि एक देश है वहां से लेकर आगे तक इजरायलियों तक ये लोग छावनी डाल डालकर इनकी फसल को, भूमि की सारी उपज को नष्ट कर देते हैं, उगने से पहले ही नष्ट कर डालते हैं। इसलिए वचन बता रहे हैं ना तो इनके लिए कुछ भोजन वस्तु थी और ना ही इनके लिए भेड़ बकरी थी, ना ही इनके लिए गाय बैल थे और ना ही इनके लिए वो गधा छोड़ते थे। प्रियो इनकी सवारियां ले जाते थे, इनकी भेड़ बकरियां जो दूध देती थी वो ले जाते थे, जिसको काट कर खा सकते थे उन्हें ले जाते थे और इनका भोजन वस्तु नष्ट कर दिया जाता था, इनके गधे जो सवारी थी वो ले लिए जाते, इनके गाय बैल जो खेत में काम करने के इस्तेमाल उपयोग में लाए जाते थे वो गधे बैल भी ले जाते थे और वो ऐसे नहीं आते थे। प्रियो यहां पर वचन बता रहे हैं क्योंकि वे अपने पशुओं को डेरों को पशुओं और डेरों को इसलिए लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। टिड्डियों के जैसे दल होता ना उसके समान वो आते थे, वो अकेले नहीं आते थे, रथ उनके साथ, उनके जानवर उनके साथ, गायें बैल उनके साथ, भेड़ बकरी उनके साथ और इनकी भेड़ बकरी अपने साथ, इस तरीके से वो आते थे टिड्डियों के समान और इनके खेतों को ऐसा बर्बाद करके चले जाते थे। उनके बारे में लिखा है यहाँ पर कि बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे। प्रियो और लिखा है
उसमें से वो आया करते थे। वो किस लिए आया करते थे? यहां वचन बता रहा कि वो देश को उजाड़ने के लिए आया करते थे, देश को उजाड़ना चाहते थे। प्रियो, ये देश उजाड़ने की इजाजत किसकी है? परमेश्वर की है। हमारे जिंदगी में कई बार देश उजाड़ने की और हमारा घर बर्बाद करने की इजाजत परमेश्वर की ओर से मिलती है, क्योंकि हमने परमेश्वर को क्रोध दिलाया है, हमने परमेश्वर की नजर में पाप किया है, हमने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया है और हमने सच्चे जीवित परमेश्वर को त्याग कर अपने लिए निर्जीव चीजों को अपने देवता बना लिया है, हमने मूर्ति पूजा करके परमेश्वर की नजर में घिनौना पाप किया है। प्रियो, मैं आपसे कहूंगा, प्रियो आपको सोचना है, आपको अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए और ये सोचते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए कि मैं परमेश्वर की नजर में कभी भी गलत नहीं करूंगा। भजन संहिता में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, मैं उन 10,000 लोगों से नहीं डरता जो मेरे चारों ओर विरुद्ध पांति बांधे हुए खड़े हैं। फिर किससे, किसे डरता है? परमेश्वर से डरता हूं बस, 10,000 लोगों से नहीं। एक से डरो, 10,000 से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। इसलिए अगर ये परमेश्वर डरे होते, परमेश्वर की बात को माना होता, तो इनकी दशा नहीं होती, क्योंकि इनकी दशा बिगड़ चुकी है। मैदानी अमले की और पूर्वी लोग आते हैं, इनके विरुद्ध चढ़ाई करते हैं, इनकी फसल को नष्ट करते हैं, इनके गाय बैल गधे को ले जाते हैं, इनके भेड़ बकरियों को ले जाते हैं और इनके भोजन वस्तुओं को नष्ट कर कर चले जाते हैं। और टिड्डियों के समान आते हैं और ऊंट भी उनके पास बहुत ज्यादा है और इनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए होता है क्योंकि आपने सच्चे जीवित परमेश्वर को त्यागा है, आपने सच्चे जीवित परमेश्वर को, जो आपका बल था, जो आपकी ताकत थी, उसी को आपने तुच्छ जाना है। आज आप अपनी ताकत से चल रहे होंगे और सच्चे जीवित परमेश्वर को भूल रहे होंगे। अपनी ताकत आपकी काम नहीं आएगी, इसलिए मैंने बोला इजरायली की ताकत परमेश्वर है, मेरी ताकत परमेश्वर है, आपकी ताकत परमेश्वर है। और आप अपनी ताकत को भूलते हुए परमेश्वर को अपनी ताकत बनाते हुए अपना कदम उठाएं और आगे बढ़ें और विश्वास की जिंदगी जिए। कभी भी निर्जीव वस्तुओं को अपना देवी देवता ना बनाएं। अगर आप उनको ऐसा बना रहे हैं तो आपकी ये दशा हो सकती है, क्योंकि आपने इजरायली के परमेश्वर की नजर में पाप किया है, जैसे कि इजरायलियों ने ऐसा किया है। अब्राहम की छोटी सी गलती को हम देखते कि अब्राहम ने भेड़ चराने के समय में वो गहरी नींद में चला गया और उसने चिड़ियों के टुकड़े नहीं किए और परमेश्वर ने कहा ये तूने गलती की है और उसने पंछियों को उड़ा दिया भेड़ से और बहुत सी बातें वहां पर हुई। तो परमेश्वर ने कहा याद रख जो तूने ऐसा किया है, 400 साल तक तेरे लोग मिस्र में गुलाम बनकर रहेंगे। तू तो ठीक है, अपने समय में चला जाएगा, सो जाएगा, पर तेरे लोग कष्ट उठाएंगे। हमारे बुजुर्गों के पाप आज तक हमारे जीवन में चले आते हैं, क्यों? हम आज भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारा वो खून आज भी हमारे देह में दौड़ता है। इसलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपके लिए अपना खून बहाया कि उसका खून आपके देह में आए और वो दौड़ना शुरू करे और आप ईमानदार से सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सके। इसलिए आपके निवास स्थान ना बदले जाए डर के कारण और परमेश्वर की नजर में बुराई के कारण। आपका भोजन वस्तु खराब ना हो, आपके विरुद्ध कोई भी छावनी ना डाले, आपके गाय भैंस बैल या गधे को वो ना ले जाए, भेड़ बकरी को ना ले जाए, आपके रोजगार को खराब ना कर दे, आपकी भूमि को खराब ना करे, आपके बच्चे बाल बच्चे और आपकी स्त्री को कोई खराब ना करे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ आपको अपने प्रभु परमेश्वर की नजर में पवित्र होना चाहिए। अगर आप पवित्र नहीं है परमेश्वर की नजर में, अगर आप ऐसा करते जा रहे हैं कि कुछ नहीं होता, तो याद रखना ये सच्चा जीवित परमेश्वर है, आपको पराजय का या आपको पराजित होना पड़ेगा, हार का मुंह करना देखना पड़ेगा। आप हार जाएंगे अपने इस जीवन की दौड़ में। आप दौड़ तो रहे हैं, आप भाग तो रहे हैं, आप छुप तो रहे हैं, लेकिन आप पकड़े जाओगे, क्योंकि आपके लिए भोजन वस्तु नहीं बचने वाली है। आज आप जीतने की कोशिश में होंगे, लेकिन आपको हार का सामना करना होगा, क्योंकि आपने सच्चे जीवित परमेश्वर को त्यागा है, छोड़ा है। प्रियो, प्रियो आपको सोचना है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए मैदानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। ये दुर्दशा इजरायलियों को महंगी पड़ी है मैदानियों के कारण। और यही इसका कारण क्या है कि मैदानी लोग इन पर प्रबल हो रहे हैं, इसका कारण एक ही है, क्योंकि सच्चे जीवित परमेश्वर की जो ताकत है इन्हें छोड़ गई है। इजरायलियों को परमेश्वर ने छोड़ दिया है, इसलिए परमेश्वर की इजाजत है कि इन इजरायलियों को मैदानियों के द्वारा तंग किया जाए। ये हारते रहे और मैदानी लोग जीतते रहे, जबकि मैदानी लोग खुदा के लोग नहीं है। पर खुदा अपने लोगों को यह सिखाना चाहता है, मैं तुम्हारा बल हूं, मैं तुम्हारी ताकत हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरे अलावा कोई भी तुम्हारा परमेश्वर नहीं है। सारी दुनिया का परमेश्वर एक ही है, यहोवा परमेश्वर,
उसका पुत्र यीशु उसका उनका प्रभु है जिसने उनके लिए अपनी जान दी है। पर वो माने या ना माने, क्योंकि उनके लिए देवी देवता है, हजारों देवी देवता को मानते हैं। पर प्रियो, आपको सोचना है कि आपका सच्चा जीवित परमेश्वर आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। अगर आप ऐसी दशा में हैं, ऐसी पीड़ा में हैं इन इसराइलियों की तरह, तो आप सोचेगा और छानबीन कीजिएगा अपनी जिंदगी में, सर्च कीजिएगा कि आपने कहीं परमेश्वर की नजर में कोई गुनाह तो नहीं किया, परमेश्वर की नजर में कोई पाप तो नहीं किया जिसकी वजह से आपकी ये दुर्दशा हुई है, जिसकी वजह से आप इतने कमजोर हो गए हैं कि आपके भोजन वस्तु में आशीष नहीं है। आज मैं किसी भाई से मिला, कोई भाई से मेरी बात हो रही थी, वो भाई इस प्रकार से कह रहा था कि बरकत नहीं है, पैसा बचता नहीं है, बचेगा कहाँ से प्रियो? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ रहकर अपना जीवन नहीं बिताते हैं। काश अगर आप प्रभु के यीशु के नाम में और उसके पिता की आराधना करते सही तरीके से, तो आपको कभी भी पराजित होना नहीं पड़ता और आप जीत जाते, क्योंकि लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर आपके संग होता, इसराइलियों को निकालने वाला मूसा जो परमेश्वर की ताकत रखता था वो आपकी अगुवाई में आगे बढ़ता, और इस तरीके से ऐसे अगुआ लोग आपके साथ खड़े होते जो कि हर बात में अगुवाई करते। पर आपने उनसे अपने मुंह को मोड़ा है और सच्चे जीवित परमेश्वर के दिल को आपने तोड़ा है, जिसके कारण से आपकी ये दुर्दशा हुई है, आपके ये हालात ऐसे हुए हैं प्रियो। और मिदानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। आज आपके पास समय है सच्चे जीवित परमेश्वर की दुहाई देने का, उसके पुत्र यीशु के नाम की दुहाई देने का, पवित्र आत्मा की सहायता मांगने का। आज आपके पास समय है, अगर आप उससे सहायता मांगते हैं तो मैं सच कहता हूँ परमेश्वर आपको आजाद करेगा और आपको छुटकारा देगा। आपकी दुहाई सुनने की तरफ उसके कान लगे हैं, वो सुनना चाहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आय से आशीष दे, अपनी जिंदगी को बदल दीजिए और किसी भी प्रकार से, किसी भी भय से ना डरिए, किसी भी प्रकार से है ना पाप मत करिएगा और सच्चे जीवित परमेश्वर की अगुवाई में चलिएगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मैं परमेश्वर दास आपको निरंतर प्रार्थना में याद रखता हूँ। आप भी हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें और हमारी मदद करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट लिखकर हमें बताएं कि आपको ये वीडियो के द्वारा क्या आशीष मिली है। तो प्रभु आपको आशीष दें, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। जय मसीह की।